और चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे और रुक करते हैं अब अन्य खबरों का। इस बार की 26 जनवरी परेड यानी गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पिलानी की एनसीसी छात्रा कैडेटों का दल भी कर्तव्य पथ पर गुजरेगा। जी हां, इस बार बिरला बालिका विद्यापीठ बैंड में 51 छात्रा कैडेट भी शामिल रहेंगी जो कि कर्तव्य पथ परेड में शामिल होकर राष्ट्रपति को सलामी देंगी। बिरला बालिका विद्यापीठ एनसीसी बैंड के 65 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहा है। कैसा उत्साह है इन छात्रा कैडेटों का, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर 51 बिरला बालिका विद्यापीठ की छात्रा कैडेट भी दिखाई देंगी। किस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यशस्वी का गौर जो इनको लीड कर रही है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है दिल्ली पहुंच के। सर हम बहुत सारी धुनें बजाते, जैसे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी है, और जैसे सैल्यूट्स हैं अलग अलग, जनरल सैल्यूट, ऐसे और भी बहुत सारी सॉन्ग्स है, मार्शल ट्यून्स है बहुत सारी। आठवीं क्लास की पीहू मौके भी हैं। यहाँ ठंड है पर यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे साल हमने बहुत मेहनत की है और अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। 65 सालों से लगातार आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपके सीनियर्स ने भी प्रदर्शन किया कर्तव्य पथ पर। हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है और हमें जो लेगेसी हमारे स्कूल से बनी है 65 सालों से, वो हमें बहुत अच्छे से कंटिन्यू करनी है। कितना अच्छा लगता है जब कर्तव्य पथ पर आप लोग उतरते हैं? जब कर्तव्य पथ पर हम मार्च करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो पूरा दुनिया के पास जो नहीं है वो हमारे पास है सर। बहुत अच्छा लगता है सर, सबके सामने एकदम प्राउड मूवमेंट, सबके सामने मार्च करना बहुत अच्छा। इस बैंड के मास्टर राजकुमार जी हमारे साथ हैं। ये 12 साल से 13 साल की लड़कियां हैं और ये इतनी छोटी छोटी लड़कियां होगी इतना अच्छा कर देती है मैं सोच भी नहीं सकता। मैं आर्मी के अंदर 31 साल नौकरी किया है। सुबह 4:30 बजे मैं लेट हो जाता हूँ लेकिन बच्चे लेट नहीं होते, मेरे ग्राउंड में मिलते हैं। बहुत प्राउड फील होता है। 26 जनवरी को जब आप परेड में होंगे तो कैसा महसूस करेंगे आप और आपके परिवार वाले? बहुत प्राउड फील करेंगे, मैं और मेरे परिवार वाले और देश, पूरा देश पूरा प्राउड होगा कि हमारी देश की लड़कियां कर्तव्य पथ पर मार्च कर रही हैं। नारी शक्ति को प्रदर्शित करेगा ये बिरला बालिका विद्यापीठ का बैंड जब 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर एक कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी धुनों से देश और दुनिया को एक अलग संदेश देंगे। कैमरामैन प्रमोद कुमार और सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। वही नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने एनसीसी की गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया और इस मौके पर एनसीसी कैडेटों ने नौसेना प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एनसीसी कैडेटों के बेहतर प्रदर्शन के लिए नौसेना प्रमुख ने सराहना की। पेश हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार शनिवार को दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर पहुंचे। यहां उन्हें एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और नौसेना प्रमुख ने गार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद एडमिरल आर हरि कुमार ने फ्लैग एरिया में देश भर के निदेशालयों के बारे में जाना। उन्होंने एक तरफ जहां हॉल ऑफ फेम का दौरा किया तो वहीं नेवल कैडेट्स द्वारा तैयार शिप मॉडल देखकर काफी प्रभावित हुए। कैडेट्स को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख ने अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एनसीसी कैडेट्स की सराहना की। दिस इवेंट इज नॉट मेयरली एन असेंबली ऑफ कैडेट्स, इट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ एस्पिरेशंस, वैल्यूज, होप, एंबिशंस, आइडियाज एंड एंथुसियाज्म्स ऑफ द ब्राइट यंग माइंड्स एंड व्हाट इट पोर्टेंस फॉर भारत एज अ नेशन एंड फॉर भारत डेस्टिनी इन द फ्यूचर। ओवर द लास्ट वन ईयर अबाउट 350 एनसीसी कैडेट्स have joined the Navy as Agnivirs. We are looking forward to many more of them joining in the coming years. देश के अलग अलग निदेशालयों के एनसीसी कैडेट्स ने नौसेना प्रमुख के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जिन्होंने सभागार में एक अलग ही समा बांध दिया। प्रेम पद
नौसेना प्रमुख ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना भी की। उन्होंने बताया कि इस साल अग्निवीर के अंदर नौसेना में 350 कैडेट शामिल हुए हैं। कैमरामैन प्रमोद कुमार और सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली।